वो चित्र मिले हैं ना पुराने, बोलते हैं वो पांडवों के टाइम के हैं, यहाँ पे बने हुए हैं पुराने कोई जंगली जानवरों के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जैन मूर्ति है और ये खंडित पड़ी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे यहाँ से अपनी लोकेशन पे। तो अब हमारे अमित भाई आने वाले हैं लोकेशन के लिए, रेडी हो चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए लोकेशन बहुत प्यारी है। उस दिन ये लोग आए थे ना डेविड भाई लोग, तो ये यहाँ पे सनसेट बहुत ही प्यारा होता है, सनसेट को देखने आए थे और देखते देखते ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ इन्होंने एक्सप्लोर भी कर दिया और इतनी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करी कि ग्वालियर ब्रेकिंग में हर जगह आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब फाइनली हम लोग चलते हैं उस लोकेशन में, इतना मज़ा आने वाला है ना, बहुत ही आप देख रहे होंगे ना नज़ारा, तो यार कितना खूबसूरत नज़ारा है। डेविड भाई लोग नीचे जा चुके हैं, अब मैं और अमित रह गए। चलिए अब आप लोगों को दिखाते दिखाते हम लोग प्यारा लग रहा है यहाँ से व्यू नीचे का, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लोकेशन पे। तो चलिए गाइस अब मैं लेके चलता हूँ उसी जगह पे जहाँ पे वो चित्र मिले हैं ना पुराने, बोलते हैं वो पांडवों के टाइम के हैं। लेकिन आप लोग बताइए खुद, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करिए कि कब की है। अभी इतना ज़्यादा फायदा नहीं है बट बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो चलो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये यहाँ पे बने हुए हैं पुराने कोई जंगली जानवरों के यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। ये देखो यहाँ पे गाइस कितने नीचे, यहाँ पे कोई आ भी नहीं सकता, देख रहे हो। बोलते हैं ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, ब्लॉगर भी एक कवि होता है। डेविड भाई यहाँ तक पहुंच गए यार। थैंक यू, मैं अकेला नहीं पहुंचा, मेरे साथ मेहता भाई, अंकित भाई भी आए। हाँ भाई, लेकिन आए तो आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा, देखो भाई ये साफ साफ आपको दिख रहा है पुराने टाइम की बनी हुई है, क्योंकि अभी के नहीं है ये। पिलर भी क्या बनेगा, वो छज्जा। ये देखो और दिखा देना, कितना कट कर गए, रिस्की है, ज्यादा तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पे। और तो ये है केवल यहाँ तक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं आराम से, इसके आगे मत जाना बस। ये देखो अगर कोई आना भी चाहे तो बस यहाँ से ज्यादा ना जाए, यहाँ पे और भी काफी अंदर तक है, बहुत आगे और तक है। हाँ, बहुत अंदर तक है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें अंदर आके बनाए गए हैं, तो अभी के तो ये है नहीं, ऑब्वियसली बहुत पुराने हैं और ये पुराने टाइम के ही है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, भैया धीरे चलना। तो चलो अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे। ये वही कलर हैं जो हजारों साल पहले इस्तेमाल किए जाते थे।
तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं तो वो हैं जानवरों के चित्र। ये देखिए हिरण जैसा कुछ जानवर है और इंसान की भी कुछ कुछ यहाँ पे मिली है सेल चित्र। तो भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे आना अपनी रिस्क पे और बहुत ही सोच समझ के अंदर तक जाना है, ठीक है। बहुत अच्छी जगह है ये, देखो आप देख रहे हैं ना ये चित्र, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत पुराने यहाँ पे चित्र बने हुए हैं क्योंकि अब ये हल्के हल्के दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई छोटा जानवर है, ये देखो बड़ा जानवर बैठा है, लंगूर बंदर ऐसा कुछ। और यहाँ पे कुछ देखो अलग अलग तरीके से, जैसे आप घर पे सांतिया टाइप का बनाते ना, तो ऐसा कुछ ये यहाँ पे बना हुआ है। ये देखो फटने लगी वहाँ सही थे, और ये यहाँ पे लोकेशन है, बट यहाँ पे आना अपनी रिस्क पे। हम लोग तो बहुत, हम लोग काफी लोग हैं तो बहुत ही सिक्योरिटी से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखो यहाँ पे भाई, और ये देखो सबसे बड़ी चीज है किस, ये जो है प्रकृति का करिश्मा है कि किस तरीके से ये यहाँ पे छत बनी हुई है ऊपर। देखो ये एकदम से छत बनी हुई है, इसकी पहाड़ की छत बनी हुई है। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।